Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the pediatric next topic fluid requirement for newborn baby. मतलब एक जो बच्चा होता है newborn जो आज जन्म दिया है जिसने newborn baby है जो मदर के womb से बाहर आए हैं न्यू environment में उसको fluid requirement कितनी होती है वो आज अपन पढ़ेंगे. First आता है first day after birth. मतलब फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ के बाद उसका जो पहला दिन होता है उस दिन उसको 60 ml पर केजी पर डे चाहिए होता था. मतलब 60 ml पर केजी पर डे के हिसाब से उसको फ्लूड है वो चाहिए होता है. सेकंड डे उसको कितना चाहिए होता है 80 ml पर केजी मतलब 80 ml चाहिए होता है. थर्ड डे उसको बर्थ के बाद 100 ml आफ्टर डेट उसके बाद क्या होता है 100 ml से 150 ml उसकी फ्लूड रिक्वायरमेंट होती है. फिर है फ्लूड रिक्वायरमेंट इन ओल्डर चाइल्ड. एक ओल्डर चाइल्ड होता है उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है जो 1 से 10 kg का बच्चा होता है. ठीक है ओल्डर चाइल्ड की बात हो रही है 1 से 10 kg का बच्चा होता है उसमें 100 ml पर केजी पर डे की नीड होती है. जो 11 से 20 kg का होता है उसमें 1000 ml से 50 ml पर डे नीड होती है. ठीक है नेक्स्ट आता है 21 to 30 kg मतलब 21 से 30 kg का बच्चा होता है उसकी रिक्वायरमेंट 1500 ml से 5000 ml काउंट कर लेना इसको. ठीक है सही कर लेना. नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट एंड कैलोरी. बच्चे को डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है फ्लूड की एंड कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है. अब देखो फर्स्ट डे टू थ्री डे 80 से 100 ml तो फ्लूड और 120 kg कैलोरी की नीड होती है. फिर है थ्री डेज टू 10 डे पे 125 to 150 तो ml पर के जी पर डे फ्लूड की नीड होती है और कैलोरी 120 ही काउंट में होती है. फिर 15 से 8 दिन के अंदर 140 से 160 और 120 kg कैलोरी की नीड होती है. फिर 3 मंथ पे ये 15 से 3 मंथ तक इतनी नीड होती है. फिर आता है 3 मंथ से 1 ईयर तक 150 ml फ्लूड और 105 से 115 kg कैलोरी चाहिए होती है. फिर आता है 1 ईयर से 3 साल तक के बच्चे को 125 ml फ्लूड केजी में पर डे और 100 kg कैलोरी की नीड होती है. फिर आता है 4 से 6 साल का बच्चा होता है उसको 100 ml पर केजी पर डे तो क्या चाहिए फ्लूड और 90 kg कैलोरी उसको क्या चाहिए होता है कैलोरी चाहिए होती है. फिर आता है 7 से 10 साल का बच्चा होता है उसमें क्या होता है 75 ml पर केजी फ्लूड और 80 kg कैलोरी उसको नीड होती है. 10 से 12 साल का बच्चा है उसमें 50 ml पर केजी पर डे तो फ्लूड की नीड होती है और 70 kg कैलोरी उसकी नीड होती है. फिर आता है 13 से 15 साल का बच्चा होता है उसको 50 ml से पर केजी पर डे और 60 kg कैलोरी की नीड होती है. फिर आता है 16 से 19 का होता है उसके अंदर क्या होता है कि 50 ml पर केजी पर डे तो क्या होता है फ्लूड की नीड होती है और 50 kg कैलोरी उसकी नीड होती है. फिर आता है एडल्ट. अब एडल्ट आता है तो 40 to 50 ml पर केजी पर डे फ्लूड की नीड और 40 kg कैलोरी उसकी नीड होती है. अब देखो ब्रेस्ट मिल्क. अब ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में कितनी किलो कैलोरी होती है 65 से 66 kg कैलोरी है वो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को मिलती है 100 ml में. और काऊ मिल्क में 67 kg कैलोरी होती है 100 ml. मतलब ये कि 100 ml के अंदर कितनी किलो कैलोरी होती है मिल्क के अंदर चाहे ब्रेस्ट मिल्क हो या काऊ मिल्क हो. अब काऊ मिल्क के अंदर तो 67 kg कैलोरी होती है जबकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 100 ml होता है उसके अंदर 65 से 66 kg कैलोरी अपन काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है सीरियल नंबर नेम काऊ मिल्क और हुमर मिल्क. अब देखो प्रोटीन काऊ मिल्क में कितना होता है 3.2 ग्राम जबकि हुमर मिल्क में 0.2 ग्राम. फिर आता है फैट काऊ मिल्क में कितना होता है 11 ग्राम और जबकि 3.08 ग्राम है वो किस में होता है हुमर मिल्क के अंदर मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितना होता है. फिर है लैक्टोज. ठीक है लैक्टोज भी सेम होता है. फिर आता है जिंक 4 ग्राम होता है पर लीटर के अंदर काऊ मिल्क में जबकि 4 ग्राम ये भी सेम होता है. फिर होता है कैल्शियम 117 mg और इसमें 35 mg होता है. आयरन है वो 0.5 mg पर लीटर इसमें भी 0.5 mg. फॉस्फोरस है वो सेम होता है जो आयरन का था. फिर रहता है विटामिन ए. अब विटामिन ए है वो 1025 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है और इसमें 170 से 670 इंटर पर यूनिट होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर. फिर रहता है सोडियम 22 mg पर लीटर और इसमें 7 mg पर लीटर. और विटामिन बी है वो 11 mg पर लीटर होता है जबकि इसमें 46 mg पर लीटर होता है. वाटर होता है वो 87.5 ml और जबकि इसमें 88 ml पर लीटर. जैसे वाटर है वो सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर. ठीक है ये जो आपको जो साइंस दी गई वो याद कर लेनी चाहिए जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती कई बार. नेक्स्ट है कैलकुलेशन फॉर चाइल्ड डोज. अब एक बच्चे को अपन कैसे डोज देते हैं. ठीक है
बच्चे का डोज कितना होता है, चाइल्ड डोज, वो अपन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो चाइल्ड ग्रोथ बराबर चाइल्ड बॉडी सरफेस एरिया बट्टा एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है इनटू एडल्ट डोज, इससे अपन निकालते हैं बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन डोज से। फिर है यंग फॉर्मूला, जो मेनली यूज अपन फॉर्मूला करते हैं चाइल्ड डोज के लिए। यंग फॉर्मूला क्या करता है, अकॉर्डिंग टू एज काम करता है, जिसमें क्या होता है चाइल्ड डोज बराबर एज ऑफ चाइल्ड बटा एज ऑफ एज प्लस 12, ठीक है, इनटू एडल्ट डोज, ठीक है। आपको एज में क्या करना है, 12 को जोड़ना है, ठीक है। फिर आता है क्लार्क फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, आपको क्लार्क फॉर्मूला में क्या होता है बॉडी वेट, जिसमें चाइल्ड डोज बराबर वेट ऑफ चाइल्ड इन पॉन्ड, की बच्चे का पॉन्ड के अंदर, मतलब एक अगर पॉन्ड को काउंट करते हैं तो एक केजी के अंदर 2.2 पॉन्ड होते हैं, ठीक है, 2.2 पॉन्ड होते हैं एक केजी के अंदर, बट्टा 150 इंटू एडल्ट डोज, ठीक है। फिर आता है फ्राइड फॉर्मूला, एज टू एज काउंट करते हैं, जिसमें चाइल्ड डोज बराबर एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ, जिस बच्चे की एज है वो मंथ में, बट्टा 150 इंटू एडल्ट एज, इससे क्या आता है फ्राइड फॉर्मूला एज टू एज। फिर आता है कैलकुलेटिंग फ्लो रेट, अब फ्लो रेट को कितना करना है, ड्रॉप या पर मिनट, ड्रॉप पर मिनट बराबर टोटल वॉल्यूम बटा टाइम इन मिनट, मतलब आपको जितना टोटल वॉल्यूम देखा वो और जितने टाइम है उसको मिनट में, कि आपको एक घंटे में कितना 24 घंटे में करना है, तो उसको 24 घंटे को आप मिनट के अंदर काउंट करके इनटू ड्रॉप फैक्टर के अंदर आप कर सकते हैं फ्लो रेट, जब आप उसको इन्फ्यूजन दे रहे हो बच्चे को कुछ, तो उसमें आप फ्लो रेट को कैसे काउंट करते हैं, ड्रॉप फैक्टर कैसे निकालते हैं। फिर है कैलकुलेटिंग इन्फ्यूजन रेट, इसमें क्या करना है, इन्फ्यूजन टाइम बराबर टोटल वॉल्यूम टू इन्फ्यूज एम एल हावर्स आर इन्फ्यूज, मतलब इन्फ्यूजन टाइम में क्या देखना है, टोटल वॉल्यूम कितना इन्फ्यूज हो रहा है, एम एल पर हावर्स में इन्फ्यूजन कितना है, वो सारा। फिर है परसेंटेज एज ऑफ माल न्यूट्रिशन, अब आपको क्या करना है कि माल न्यूट्रिशन की परसेंटेज एज में कितना परसेंट होता है एज में, अकॉर्डिंग टू एज माल न्यूट्रिशन असेस करना, वो कैसे करेंगे, कि माल न्यूट्रिशन बराबर एक्चुअल वेट कितना है बच्चे का बट्टा एब्स्ट्रैक्ट वेट कितना है इनटू 100 करेंगे, जिससे आएगा माल न्यूट्रिशन कितना है। फिर है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वे, एक्सपेक्टेड वे में कर सकते हैं 1 से 12 मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड वेट बट्टा एज इन मंथली बट्टा 2 मंथ या ईयर कितनी एज है बट्टा 2 कर सकते हैं, इससे 1 से 12 मंथ के बच्चे का एक्सपेक्टेड वेट आता है। फिर 1 से 6 साल के बच्चे का करना है तो एक्सपेक्टेड वेट बराबर एज इन ईयर, इसको इंटू करना है 2 और प्लस करना है 8 से, ठीक है, इससे आते थे 1 से 6 साल का बच्चा। फिर 6 से 12 साल के बच्चे का अगर आप उनको वेट करना है काउंट, तो कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड वेट एज इन ईयर इंटू 7 बट्टा 2 माइनस 5 करते हैं, इससे 6 से 12 साल के बच्चे का वेट आ जाएगा। तो ये क्या था, अपन ने पढ़ा था कि किसी बच्चे को कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी उसको नीड होती है, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारा अपन असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशन इन हाइट, अगर आपको हाइट निकालनी है तो 8 बार कितनी होती है 50 से 52 सेमी होती है, आफ्टर 1 ईयर 75 सेमी होती है। अब आपको हाइट निकालनी है तो एज इन ईयर, बच्चे की सालों में उम्र कितनी है, ठीक है, ईयर कितने ईयर का बच्चा है इंटू 6 करना है प्लस 77 सेमी करना है, जिससे आपके बच्चे की एज हाइट में आ जाए। फिर है कैलकुलेशन ऑफ इंटेलिजेंसी, IQ बराबर मेंटल एज बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज बट्टा 100, आपको क्या करना है कैलकुलेशन कैसे करोगे, मेंटल एज की बच्चे की मेंटल एज, उसका मानसिक बिहेवियर कितनी एज शो कर रहा है बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है जो उसकी एक्चुअल एज है इंटू 100 करोगे, तब आपका इंटेलिजेंसी लेवल है वो बच्चे का आ जाएगा। मतलब आपको कभी सीधे बच्चे की एज से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बच्चे का जो मानसिक बिहेवियर है उससे IQ का पता चलता है, वो सारा अपन असेस करते हैं IQ लेवल को असेस करने के लिए। आपको मेंटरनल बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज के इंटू 100 करके, जिससे क्या निकल जाएगा IQ निकल जाएगा, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी क्वालिफिकेशन आपको पता चल जाएगी पेशेंट की या बच्चे की। ये सारा था कि फ्लूड पेशेंट को कैसे देना है, कैसे कैलकुलेशन हाइट मेंटेन करनी है, कैलकुलेट कि जितने भी ड्रॉप फैक्टर है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/1 आपने पढ़ा है। ये एक शॉर्ट टॉपिक था जो आज अपन ने डिस्कस किया है।
ये सारे जो कैलकुलेशन वगैरह है हॉस्पिटल में जब वर्क करते हैं नर्स, तो आपको क्या करना है जब कोई बोलते हैं इन्फ्यूजन करना है इस रेट से करना है इस प्रकार करना है, तो आप क्या करते हो ड्रॉप फैक्टर निकालते हो, कितने ड्रॉप पर मिनट देनी है वो सारा असेस करते हो, 1 घंटे में कितना फ्लूड पेशेंट को देना है यानी बच्चा है जो पेशेंट है क्लाइंट उसको कितना देना है वो सारा अपन ड्रॉप फैक्टर से काउंट कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन करोगे वो सारा भी इससे असेस कर सकते हैं। और अलग अलग जो भी आपको ड्रॉ फैक्टर दे दिया, मान लो एग्जाम के अंदर जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो उसमें क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉ फैक्टर निकालना, उस टाइम आपको ड्रॉ फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कैलोरी रिक्वायरमेंट वगैरह वो सारा आप असेस कर सकते हैं। और ये जितने भी क्लार्क फॉर्मूला है, यंग फॉर्मूला है, मेनली यंग फॉर्मूला है वो यूज़ किया जाता है, या क्लार्क फॉर्मूला यूज़ किया जाता है पीडियाट्रिक डोज के लिए, जिसमें अपन क्या करते हैं डोज को काउंट करेंगे एज में, और जो मेडिसिन देने के अंदर यूज करते हैं ड्रॉप फैक्टर तो इन्फ्यूजन के लिए, और बाकी जो क्लार्क फॉर्मूला है ये क्या कर सकते हैं जो मेडिकेशन है कोई भी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करनी है तो उसको कितने डोज में देना है वो सारा अपन क्लार्क फॉर्मूला यंग फॉर्मूला बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं।